أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وارواح العالمين له الفدا هم سلسلة والعرائز هماري توحيد کے رول مادل پر بحث کر رہے تھے تو ज़ाहिर है कि इसका थोड़ा इशारा करूँ मकसद इस सीरीज़ का आ, वो ये है कि आ, हमारे पास थेटिकल तोहीद जो है वो या तोद नजरी वो इंसान के इल्म को उजागर करती है काम तक पहुँचाती है जानने में और जानने के बाद अमली उसके मुक़ाम अमल में काम आती है और फिर उसके लिए हमने इंसानी कामिल वाली बहस की। और पहले वाले के लिए तो ही देकी कि बहस जो क्लिप्स है वो उस पर बहस की अब ये जो बनना है इंसान कामिल तो इसमें हमारे जैसे गैर मासूमी गैर इमाम गैर नबी आसम बने हैं हतमान बन तारी गवाह है और इंसान कामिल के दर्जन तक पहुँचे हैं लेकिन किन की तरबियत से अम्बिया और अमय अतः वाम की वसात तो और तरबियत से तो ऐसे कौन लोग हैं जो शागिद रहे हैं किन के इन अम्बियाओं के और इमामों के और हदफ तक पहुँचे हैं देखिए हज़रत अमीर सलाम अपनी नहजुलबलागा में अपने कला में फरमाते हैं कि अमरना साबनमुस्तासब हमारा हमारी जो विलायत है उसका हासिल करना उसका अहल बनना बहुत मुश्किल है और इल्ला हाँ वला, वला 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 या तमलोा इसका को ही नहीं होता हमारी विलायत का यानी इसका हक़दार और अहल नहीं बनता मगर मला कन मुकर्रब ऊंचे ऊँचेबत वाला मलाइक ना आओ नबी मलाइनबी मुरसल रसूल नबी जो रसालत तक पहुँचे वो उस मुकाम हमारी विलायत तक पहुँच सकता है इंसान कामिल आओ आबदन इम्तहान तीसरी चायज रखिए आबद की या मोमिन इम्तान ईमान उसके दिल को खुदा ने आजमाइात से उस कमाल तक पहुँचा है कि वह हमारी विलायत का वारिस बन सकता यही हमारा जो मौजू है अहलाम रजीन, उनकी फिक्रें भी क्या है बहुत वारजीदा और कमाल की है दिल भी इलाही है दिल इलाही है फ़िक्र फिक्र जो है बहुत सलाबत रखती है तो ऐसा जो है इंसान वो वारिस विलायत अहलबैत बन सकता यानी दूसरी तफसीर यही है कि इन्ना अर्ज नमाना अलसमात वर्ज़ वल जिब्बाल फ़ाबाई ना मिल्ना व अशफ़ना मिनह फ़ाहम इंसान वैसे रिवायत में यही हमारी विलायत हमने ज़मीन आसमान पहाड़ पर दे दी उन्होंने विलायत को इनकार किया कबूल करने से और डर भी गए क्योंकि उनके दिल रूह नहीं है और वो जो हमारी विलायत कहा क्या ले लें शुक्र फ़ैजा सवाय तो और फी ही मिल रोही इंसान ही में ये कैपेसिटी है कि खुदा की आसमो शफात को लेने की सलाहत रखता आम आदमाकुल्ल हम तमाम आसमा इंसान की कैपेसिटी में डाल दिए तो फिर जिना बहली व हम लहर इंसान इंसान इसका मुतहमिल हुआ लकत खरना इंसान नफ़ी एहसन तकवीम तो ये देखना है कि हमारी तलीमती इस्लाम ऐसे है कि इंसान कामिल हमें बड़ी खुशी रखनी चाहिए वलकत करमना बनी आदम हमने बनी हज़रत आदम के अवलादों को करीम बनाया इस इस मुक़ाम तक इंसान कामिल के दर्जे तक कौन पहुँच सकता है हर इंसान हर इंसान ये इस्लामिक आइडियालॉजी है और कहा इन जल्फिला खलीफ़ा ख़ुदा का खलीफ़ा यही बनी इंसान है बस ये हमें खुशी रखनी चाहिए नहीं कहना चाहिए बाजिए ये सोचते हैं कि जी वो नबी थे वो पैगम्बर तो कहाँ और वो कहाँ वो नलकद कान लकुम फिर रसूल उस वत या वलकद कान लकुम फ़ी इब्राहीम वलमा उस वत वाज कुरान अगर वो हमारे आइडियल ना हूँ और हम उन तक ना पहुँच सके फिर क्या फ़ायदा है फिर हमारी शहरियत किस लिए है हम दुनिया में कमाल किस ले कमाल नहीं थे? किस लिए आए हाँ पास कौन से लोग मैंने कहा एक शजर ख़ानदान पाक और का जो हज़रत मुला, मुला, मुला जोला से शुरू हुआ और हमें नहीं मालूम जोला कौन थे रहमत ला आले? असल आगे तबा तबा भी फरमाए हमें नहीं मालूम कहाँ से आए उन्हें कहाँ से इलम लिया लेकिन हदस आप, आप तखमीना लगा सकते इमाम जमानाम से लिया हो गिबान ये कि हर इरफान का हकीक़त अहलबर ही है और इसी वली वही हज़रत है तो उनके शागिरद सैद अली सुनने जिक्र किया और सैदी के बाद मिलावन कुल हमदान रमत उनका भी ज़िक्र किया मैंने और उनके शागिद थे सैद अहमद करबलई सैद अहमद करबलाई के शागिद हैं सदी काजी तबा तबाई सैद अली काजी तबा तब बहुत निखरे बहुत फूले फले और में तो सारे इसमें दावा नहीं है बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थी और उनके शागिद में तो मैंने बताया कि उन्होंने जाल बिछाए इरफान और इलम का और कामिल तरीन इल्म का मुतहरी तबा तबाही और जवाद आमली मिसबा अजली हसन जद आमले वगैरह कोचानी हसन इलाही ये बहुत सारे बुजुर्गान हैं जो उसके शागिद में जिनने तजदीद फरमाया किस को अहल तश्य के इरफानी और आदमे डायमेंशनस में तो काजी साहब मालूम है कुछ लवाजमात है इंसान के मुकाम कमाल तक पहुँचने के ऐसे नहीं पहुँचता इंसान तो काजी साहब भी उनमें से एक शायद आपको मालूम है कितमान है सिर को छुपाना चाहिए जैसे मैंने पहले भी इशारा किया नमाज जमात नहीं पढ़ाते थे, थे लेकिन ज़ाहिर है कि वो उनकी एहतियात थी और ये हमारे हजरत नहीं है उन्हीं के शाग आ गई तब आ गए बहजा मोहम्मद की बह रज़मान तो नमाज़ पढ़ाते थे, थे बड़ा अपने हाल में पढ़ा या अपने हाल से यानी काजी मसलन कहते थे कि अगर माली हालत मुश्किल में तो मेरी मानवियत अच्छी रहती है आगे बहार हमदानी रजवा तीन के उस्ताद वो कहते माली हालत अच्छी हो तो मेरी मानवियत अच्छी रहती है हाँ ये अपने अपनी तकाजे तबीयत है ठीक है इस वजह से ऐसी नहीं है कि मसला नमाज पढ़ाना इमाम जमात न बनना तकबर के नज़दीक न ये अपनी वनखियत है आपकी अपने अपने शरात है तो आपको मालूम है इजहार नहीं कर पाए अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ते थे हता जोहर में इतने थे कि वो जाहिदीन नजफ़ आश्रम में ब्लू रंग का क्या पहनते थे अबा कुछ इस तरह का ऊपर और उससे मारूफ होते थे क्या जनाब ये जाहिद है परहेजगार लोग हैं तो आगे काजी सफ़ेद पहनते थे ताकि उनमें काउंट ना हो जाए सही ये दूर हो जाते थे काउंट ना हो जाए और इसी तरह कभी कभार बैठ जाते थे कोई अहल दिल अहल हाल अहल दिल था कोई वो कोयला बेचता था उसके पास घंटों बैठते थे, थे अपने मुशतहद होने के अलावा आरिफ होने के अलावा वो आम आदमी से इस तरह बैठते थे, थे। वहाँ गर्द गुबार बैठ जाते थे उनके कपड़े पर तो उसी हालत में उनके फर्जन कहते जब घर पहुँचते थे तो उनकी जो जोजा है वो नाराज़ हो जाती थी ये क्या हालत बनाई कपड़े बर्बाद हो गए सफ़ेद धोते थे ना अब हो गए काले किसे कोयले के गर्द गुबार से अब मुझे धोना पड़ेगा आगे काजी आराम से कहते थे आप परवा ना करें जो जा मैं आपकी मदद करूँगा धोने में मैं धोने में मदद करूँगा तो मालूम हुआ कि बहुत ही तोज़ो रखते थे और उनको अच्छा नहीं लगता था कोई किसी को कहे मसन वो फलानी उसके शागिद है या खुद के वो मेरे शागिद है जैसे हमारे उस्ताद वो मैंने कभी नहीं सुना कि वो कहे मेरे शागिद ये जुमला ही नहीं यूज़ यूज करते कहते हैं हमारे दोस्त दोस्तान इसलिए काजी साहब भी कभी नहीं कहते थे और मैं, हमारे उस्ताद मसन कभी मैंने देखा किसी जगह आपने अंदर तश्रीप लाना है या बाहर जाना वो सबकत नहीं ले जाते थे कचर रिवायत में जाबिर आदमी है दूसरों पर जाबर करके खुद अपने को पहले ले जाता है इसलिए कभी नहीं मैंने उस तार को अमलन देखा कि हर हालत में चाहे चाहे जल्दी हो या जो भी हो कभी दूसरे पर पहले नहीं गुजरते या पहले नहीं निकलते थे दूसरे को तौरफ तौरफ नहीं है एक एक तमसुके एक एम्सा के नफसी है और आप अगर देखोगे कि जब किसी जगह बैठते थे मजलि मजलिस उलमा वगैरह खास जगह पर बैठते आगे काजी वहाँ नहीं बैठते थे जहाँ जगह मिले वहाँ बैठते थे जहाँ महसूस ना हो वहाँ फिर क्या आप क्यों नहीं बैठते ऊपर कहते थे वहाँ मेहमानों की जगह हज़र रसूल सल्लास वो कभी मुशक्स और मजलिस नहीं बनते थे कभी दायरों की शक्ल में बैठते थे एक हमारे उस्ताद है हफिजल्ला वो भी मैं देखा जब हम कमरे में जाते थे वो वहाँ चौकट पे बैठ जाते थे कि वहाँ ठोकर भी लगती थी उनको हाँ जी बिल्कुल हम्बल और आ, बड़े मामूली अंदाज से गुजश नफसी और इनके सारे नफसी उनकी और जब शागिदों के साथ चलते थे और शागिदों को पीछे पीछे नहीं चलते थे शागिदों को आगे कहते उनके पीछे पीछे खुद चलते थे हाँ याद रिवायत में है कि ये जो ठप ठप होता है कि इनका हाँ जूत का आपके पीछे शैतान आपको अगवा कर सकता है तो हमारे उस्ताद भी मैं एक दफ़ा बहुत लश्कर निकली आगा सड़क पर थे और इस आगे आगे आगा थे पीछे पीछे आगा एकदम से भागे पीछे बाबा तुम्हें क्या हो गया तुम इतना हजूम क्यों लगाए जाओ अपने काम से पीछे पीछे उनके छुप गए हाँ, अपने नफ्स को तरबियत करने के लिए ये बुजुर्गान मेहनत करते हैं हज अमिर क्या फरमाते हैं सलाम्स अरूद तखवा नूर मुजस्साम वो कुछ नहीं करते नहीं रहे मैं अपने नफ्स को रिजत से क्या करता हूँ मुतकी बनाता हूँ मुझे भी रिजत करनी पड़ती है तकवा की हज़र रसूल सल्लास फरमाते हैं न शैतान असलमा बिया मैंने अपने जमाल जलाल से अपने शैतान हला शैतान एक शैतान जो बर्थ के साथ होता है इंसान के साथ या शैतान नफ्स ही दोनों तो को मैंने तस्लिम करवाया सरेंडर करवाया कोई नफ्स अब इसको कोई जो उसको अगवा करे और इन्हरा में डाल दी ना मासूम यह सारा किसे होता असलामा मैंने सरेंडर करवाया नहीं करवाया मेहनत है ऐसे तमाना करें कि खुद ब खुद आप खुदा की खिलाफत तक पहुंच जाएगी इसमें मेहनत चाहिए और तकलीद करते थे उसकी लोग बहुत जोग जोग दर्जों को बहुत बड़े मुश्त थे अब वो खास एक आदमी को कहा कि आप तकलीद करें मेरी यार मैंने पिछले को उसमें बताया कि जाओ आप तकलीद कर सकते आम वो तो एक खास ऑर्डर था आम को कहते तकली नहीं नहीं मैं तकली किसी और से ये आप जो समझते हो जिस चीज़ का मैं अहल हूँ यानी मार्जियत का मैं ऐसा नहीं हूँ चाहो किसी और मरजा को ढूंढो ये अगर बहजत साहब भी जब रिजवान ला ती वो शायद आयतल अराकी की वफात हुई रहमत ला, ला तो उसके बाद उनकी नौबात मातरा होने लगे आप मार जाए नहीं माने उनके फर्जन ने कहा अली बहजत ने कहा कि उन्होंने बहुत कितने दिनों इनकार किया मैं नहीं मार्जियत कबूल कर क्योंकि इस बारिश संगीन है, ये लोग जलवत में नहीं आते अपने आप को क्या करते हैं कंट्रोल में रखते हैं इसलिए कभी कहते थे वह ये जो आ, शेख है एक था वहाँ नख्मी उसका जास, जासिम मुझे क्या मालूम ये सबसे पहले जाएगा कहाँ सिरात से अबूर करके और जन्नत में चला जाएगा और मैं उस, उस महशर सहराए महशर में ऐसी तरह पड़ा होऊंगा और ये खाखरूब ये जो कोड़ा उठाने वाला जासिम पहले ही अबूर करके पहुंच गया हो जैसे इमाम खुबैनी फरमा अलैह कि मैं तो बहतों को बताता हूँ अपने शागिदू या सुनने वालों मोत को कि मैं तो बताता हूं और मुझे डर लगता है मैं बता दूँ और आप जन्नत पाओ और फिर मैं मुझ पर एतराज करो हज़ागा आपने बता दिया हम तो जन्नत आ गए तू कहाँ फंस गया हाँ ये मजाक नहीं है भले शुरहकाफ में भी खुदावन कुल्ला अदरी माँ यू फल भी वाला बिकु रसूल सलवा आप कहते हो लोगों से मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। खुदा उनके बारे में कहते माँ हवा नफ्सी नहीं है मुतमिन है वो भी गारंटी नहीं, गर्णी नहीं।, गर्णी नहीं। तुम करो गार काउंट ना करो सख्त है मसाला अरे बाले। फिर कहते थे करामात ना करो शागि को करामात ना दिखाओ अपने अखलाक से अपने ईमान से लोगों को क्या करो कने करो को नास बिगैरे अरस निकोम अगर कोई आपको आपके दरगाह आपके बारगाह को भी चूमे फिर भी सिर नहीं बताना है ना दस्पुजी करते हैं हा, हाथ उस तबर्रक मजते हैं उसके बदन को उसके लिबास को यह कोई करे भी तुम इस मजबूर ना हो न अपने कमाल बताओगे बेहतर है और मसलन सैद हाशिम हदाद अल्लाह रिजवानल बहुत उनके शागिद उनके शागिद थे और आगा के शागिद थे वो नाल दुरुस्त करते थे किन की गोड़ू की टापे होते ना जो नीचे लगाते वो शुरू हद्दार थे लोहार थे तो गर्मी आपको मालूम है इतनी ज़बरदस्त गर्मियों में भी ये काम करते थे एक दफ़ा क्या हुआ हाँ वही बनाते अब उस नैल को उठा के उस आग में डालते हैं ना वहाँ उसको पिघला के ठीक बनाते क्या करते ठीक है लोहार लोग उस लोहे को उसमें डालते हैं पिघला अब चुमटा नहीं था चुमटा नहीं चुमटे से उठा उसमें रखें चुमटा नहीं सीधा हाथ उस आग में डाल दिया और चुमटा को उठा के बाहर एक था वो भी अहले दिल था वो आते थे उनके पास वो भी हालांकि गरीब हाल थे मोपलीसी थे ये भी मुफलिसी थे ये इनके आमदनी इतनी नहीं थी आ हदादी में कितना मिलता है इनको ये असद तकरीबन अपनी कमाई किसको देते थे गरीबों को फक्रा को वो भी अपनी निसफ कमाई देता था खुद मजदूर था कमाई गरीब व मुस्तकों जब मजबूर होते थे उसने जब इसकी हालत देखी किसकी सही हाशिम की, की। तो इसने आग में हाथ डाला और वो निकाला उसको करामा दिखाई तो वो करामा नहीं दिखाई उसको तोजह नहीं हुई उसने ऐसे चुमटा नहीं मेरा था जल्द जल्द निकाला वो भाग गया मुझे नहीं वहशत हुई इसको फिर जब वापस आए काजी साहब से मिले काजी साहब ने डांटा पबा क्या हुआ तुमने ऐसा क्यों किया कंट्रोल रखो सिरफाश न करो तो ऐसे आ, बहुत सारे हमारे पास सैद अब्दुल करीम रज़ा भी कश्मीरी रिजमाल्ला वो भी कहते आगा गाजी के पास गए कि मुझे आप क्या सिखा दो इलम कीमिया यानी ऐसा हाँ केमिस्ट्री का जिससे गोल्ड वोल्ड बनाया जाए तो आगा ने कहा बाबा ये छोड़ो इससे बेहतर आप ये दुआ पढ़ लो <laughs> के अल्ला मगनिनी बेहलिका अन हरामिक व बे फजल का अन अमन सिवा खुदा मुझे अपने हलाल से हराम अपने आप के हलाल से हराम से बचा दे अपने फजल से दूसरों से बेनियाज कर दे यानी क्या हुआ हलाल हराम का ख्याल रखो ये इलम कीमिया वगैरह इन चीज़ों यानि असल क्या है काम हलाल और हराम का करामत वही बड़ी करामत जो इंसान हराब से इज्तना करे और वाजुब को न छोड़े इतकल्ला मस्ता हूँ मेरे ख्याल में टाइम है या नहीं है ज्यादा लंबा हो गया हाँ बस एक दो मिनट मैं वाक बताता हूँ एक अंसारी हमदानी आरिफ थे बहुत बड़े बहुत बड़े आरिफ थे वो नजह में थे और दो मरतबा गए वहाँ कहाँ क्या नाम इसका नजफ़ अशरफ इराक़ के बार अथबार आलियात को देखने तो लेकिन ऐसा जाहिर है कि मुलाकात नहीं हुई किन से हजरत काजी सैदिल काजी रजमान से मुलाकात नहीं हुई अब एक मरतबा उनके शागिद थे शेख मोहम्मद हसन बाया थी वो थे तो ये गए वहाँ तो नजफ़ अशरफ में थे वहाँ शायद मस्जिद कुफा में थे वहाँ से बस में सवार हुए बस डबल बस थी ना डबल डकर दो तबके वाली तो नीचे तबके में आ गए अंसारी और उसके शागि पुर हो गए जगह नहीं रही तो ये हसन शेख हसन बयाति साहब इसके शागिद आ गए ंसारी हमदानी के शागिद वो भी आरिफ थे अभी चले गए कहाँ दूसरे तबके में अकेले तो इतने में एक और सईद आए वो भी अब नीचे जगह नहीं थी वो आए बड़े जलील कदर सईद थे और बहुत बड़े आलिम अमामा पहने अब उनके बगल में बैठ गए आगे बया थी के और बात करने लगे बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े अट्रैक्शन और जज्ब के साथ उनको लगा बिल्कुल ये मुझे जानती है और बहुत ही खुश अख्लाक और मोहब्बत करने वाले उनके साथ की। काते का बातें करते बाते करते बाते अब जा रहे हैं आ, कूफ से नजब की तरफ तो रास्ते में फिर उनको दस्तरात भी दे दिए किन को आगे हसन बयाती को जो तो आगे अंसारी के शागिर्द थे और दोस्तरात भी दे उनमें वो मुसाभत वो जो वो भी शामिल है यानी और शाम को वो सात सूर पढ़ना आखिर उतरे तो पहुँचे ये नाज़फ़, नाज़फ़ अशरफ उतरे लीजिए तो वो भी इसी के साथ उतरे सैयद और सैदी चले गए ये भी आपस में तो उनके उस्ताद आ गए अंसारी हमदानी उन्होंने पूछा आ गए बयाति को इनको जानते हो सैद को ये कौन मुझे नहीं मालूम पहले मरतबा देख यहीमारूफ आ गए काजी साहब है मारूफ काजिश अच्छा ये इतने बड़े अजीम तयल अर्ज़ और करामात इनके कहा जी यही थे और क्या कहा जी मेरे साथ अच्छी बात है कि और दोस्त दोस्तरा दिए हाँ जी दोस्त रात दिए तो बताया दोस्तरात फिर ठीक है अब क्या करना उनको अमल करोगे अगर बयाति ने कहा मेरे तो उस्ताद आप हो तो अगर आप इजाज़त दो तो वारना नहीं बहुत तो खुश हो गया तो उस्ताद उस्ता एक रूहानी उस्ताद के अपने हुकूक को थे तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आपको मैं इजाज़त देता हूँ उन पर उसने अमल किया और अमल करते करते फिर उसके बाद आप देखते हैं कि दुनिया से चले गए कौन आगे अंसारी हमदानी उनके उस अब ये आज़ाद हो गए ना आगे शेख बया थी क्या हो गई आज़ाद हो गए अब इन्होंने अमल शुरू कर दिया गए चले गए शेख हाशम हदार मौसवी जो मैंने अभी अर्ज़ किया वो बहुत बड़े ये वो उस उस्ताद थे आगे शहिद मुर्तज़ा मुतरी रस्म मानवी उस्ताद उनकी बहुत बड़े आरिफ थे तो मशहूर वाक़ा है ना कि कहा नमाज कैसे कहा मैं अल्फाज का मानी वो पढ़ता हूँ फिर उनको जहन में लाता हूँ नमाज को फिर कहा नमाज कब पढ़ते हो इफ उनका आ गई मिसफा यजदी और दूसरे बुजुर्गान ने भी नकल के इस वाक़ को बालिक और रिस्मान फिर फरमायादार हाँ ने उनको परवरिश की मानवीयत और ऊंचा पहुंचाया खुद फरमाते कि मैं मुकाम आसमा और सिफात पार कर गया। हाँ। और एक दफा की मुलाकात खाजी साहब को शायद आधा घंटा बीस, बीस मिनट तीस मिनट लग गए या एक घंटा लग गया होगा कोफे से मस्जिद कोफे से नज़फ़ अशरफ़ एक मुलाकात चंद दस्तूर और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई मुक़ाम असम और सिफा तक गए हसन बयाति पहुँच गए ये असर है इंसान वासिल और कामिल का तो इंसान कामिल थे और भी उनके करामात और मुआजात और उनकी तर्ज ज़िंदगी तजिक और रियाजत का हम देखते हैं उनशाला ख़ुदा तोफ़ी दें जिंदगी दे आइंदा आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे इंशाल्लाह व अस्सलाम वालेकुम